यहाँ पे लगते हैं इसके नीचे, यहाँ पे जो नीचे जो छोटी घाटी आती है बाइक वाइक, तो वो दिखाई देने के लिए। और तो गाइस जो यहाँ से ये घाटी का जो शेप है, शेप भी बिल्कुल ठंडा है। और जोधपुर से आती है कोटा, कोटा से जाएगी भोपाल, भोपाल से जाएगी नागपुर। तो गाइस ये भैया ने दिया मावा, इन लोगों ने तो खा लिया। ये मक्का सेका हुआ है। गाइस मैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करवा के आ गया हूँ, तो उनने रसीद काटी है, फुल एंट्री की है गाड़ी की एक महीने की। गई हमारी गाड़ी निकल गई आगे, करीबन अभी 80 की स्पीड में चल रही है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है, रात का 2:30 बज रहे हैं। तो गाइज मैंने जो कल का वीडियो एंड किया था वो कोटा के अंदर किया था। तो गाइज मैं करीबन कोटा से 100 किलोमीटर आगे आ गए। तो गाइज जो मेरे साथ वाली गाड़ी है वो पीछे खड़ी है लाइन वाइज। तो गाइज हम यहाँ पे रुके थे चाय वाय पीने के लिए। गाइज अभी तक हम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर ही, तो यहाँ से जो MP का बॉर्डर है ज़्यादा दूर नहीं है। तो गाइज मैं ज़्यादातर वीडियो YouTube पे रात को अपलोड करता हूँ, क्योंकि गाइज जो मेरे पास सिम है ये योडाफोन की सिम है। तो गाइज जो योडाफोन की सिम है वो रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड रहती है, फ्री रहती है, कितना भी नेट यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज करीबन मैं एक वीडियो YouTube पे अपलोड करता हूँ तो 8 GB, 9 GB, 10 GB डाटा लगता है, तो इसलिए मैं रात को अपलोड करता हूँ, प्राइवेट कर देता हूँ। सुबह उठ के थंबनेल वंबनेल बना देते हैं, टाइटल लिख देते हैं। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक। तो चलो गाइज वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं 4 लेन पे, जो हमारी साथ वाली गाड़ी है वो जस्ट हमारे आगे चल रही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 300-400 मीटर आगे चल रही है। तो गाइज तीनों गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही है करीबन 8-9 घंटे से। अभी तक हमने मतलब आधा घंटे से ज़्यादा गाड़ी को रोका ही नहीं, मतलब खाना खाने के लिए रोका था, और खाना खाने के लिए 4 आदमी गए थे, 4 आदमी गाड़ी के पास थे, मतलब गाड़ी को सुनसान इलाके में नहीं छोड़ सकते अभी। तो गाइज हम सोएंगे तो 2 आदमी सोएंगे और 2 आदमी मतलब गाड़ी की रखवाली करेंगे, क्योंकि गाइज हमारी गाड़ी में मैंने बताया था गाइज चांदी लोड है, तो चांदी को मतलब ऐसे सुनसान छोड़ के नहीं सो सकते गाइज, मतलब ऐसे इलाकों में ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में चोरी हो जाती है। तो गाइज ने तो वो पैसे हमारे मतलब खाते से काटा जाएगा। ये MR स्लीपर है, ये जा रही है नागपुर टू जोधपुर, भोपाल होते हुए जाती है गाइज। तो ये जोधपुर से आती है कोटा, कोटा से जाएगी भोपाल, भोपाल से जाएगी नागपुर। तो गाइज ये नागपुर पहुंच जाएगी कल दोपहर तक। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है 3:30, और जो हमारे जो साथ वाली गाड़ी है हमारे सामने चल रही है, ज़्यादा दूर नहीं है वो चल रही है, वो ब्रिज पे चढ़ रही है, हम ब्रिज पे चढ़ने लगे हैं। तो गए थे यहाँ से भोपाल ज़्यादा दूर नहीं है, 260 किलोमीटर है मातरी। तो जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया था कि इधर सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गया, तो गाइज बाहर धूप आ रखी है, मतलब फुल सर्दी का मौसम हो रखा है, और ऐसे हाथ करते हैं तो बहुत सर्दी सर्दी लगती है। और तो गाइज जो यहाँ से ये घाटी का जो शेप है, शेप भी बिल्कुल ठंडा है। और तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है 4:30, और तो गाइज हमारी सब गाड़ियाँ यहाँ लगा दी हमने। तो गाइज घंटा दो घंटा अब रेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारी होटल है, राजस्थान की होटल है, तो यहाँ पे लूटपाट का कोई टेंशन नहीं है। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है 7:30, और तो गाइज मैं लमसम 6 बजे के लमसम उठ गया था। तो गाइज यहाँ पे लमसम 4:30 बजे के लमसम आके सोए थे। तो गाइज मैंने गाड़ी की साफ़ सफाई कर दी, अगरबत्ती कर दी, चाय वाय पी ली, और तो गाइज सब साथ वाली गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई। एक गाड़ी थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह स्टार्ट नहीं हुई, वायरिंग शॉर्ट हो गया था, तो उसकी थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो सुबह सुबह सब गए थे उधर मदद करके आए थे। तो गाइज अब यहाँ से निकलने वाले हैं, अभी करीबन टाइम हो रहा है 9:30, और तो गाइज जो ये भारतीय पंप है इस पंप पे पहुँचे हम। तो गाइज इस पंप का और यहाँ का जो रास्ता है मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था 3-4 दिन पहले। तो गाइज आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। गाइज आपका भाई खा रहा है मावा, ये है मावा।
ये भैया ने दिया है मावा, इन लोगों ने तो खा लिया। ये मक्का सेका हुआ है। गाइज हमने यहाँ चाय वाय पी ली है, अब हम जाते हैं। तो गाइज ये है डीजे, ज़्यादातर राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं। भले अभी हम चले राजस्थान में, ये जो एमपी का बॉर्डर है 10 ही किलोमीटर आगे है यहाँ से। तो गाइज सामने आने वाला एमपी का बॉर्डर, तो हमने पहले गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है पहले ही तैयार कर लिए, मतलब एंट्री करवाई हुई है हमारी। पिछली बार इधर से राजस्थान में गए थे तो एंट्री करवा के गए थे, तो अब हमारे को ज़्यादा पैसे नहीं देना है, मतलब एंट्री ज़्यादा नहीं करवाना है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर ही है गाइज। तो गाइज सामने वाली गाड़ी कांटे पे चली गई है, बॉर्डर का कांटा है जो सामने है, आईटी ऑफिस साइड है और ये बॉर्डर है। तो गाइज हम एमपी में घुसने वाले हैं। तो गाइज मैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करवा के आ गया हूँ, तो उनने रसीद काटी है, फुल एंट्री की है गाड़ी की 1 महीने की। तो गाइज जो सामने शहर है ये ब्यावरा शहर है, इस शहर का नाम ब्यावरा है। और तो गाइज जो सामने वो ब्रिज आ रहा है, उस ब्रिज से हमारे को राइट होना है। तो राइट होते ही थोड़े से आगे चलते ही हमारी होटल आ जाएगी। तो गाइज इस होटल के मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो ये ब्यावरा शहर है इस शहर के भी बहुत वीडियो अपलोड किए हुए, जाके देख लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए हुए हैं। तो गाइज आज ये जो पुंदा मार्केट है, इस पुंदा मार्केट से हमने दो इसी से खरीदे हैं। ये गाड़ी के साइड ग्लास है, यहाँ पे लगते हैं इसके नीचे, यहाँ पे जो नीचे जो छोटी गाड़ी आती है बाइक वाइक, तो वो दिखाई देने के लिए, तो ये दो इसी से खरीदे आज। गाइज जो सामने बोर्ड आ रहा है, यहाँ से हमारे को लेफ्ट होना पड़ेगा, सीधा रोड तो इंदौर चली जाएगी, हमारे को भोपाल जाना है तो भोपाल के लिए लेफ्ट होना पड़ेगा। तो गाइस जो हमारे साथ वाले ट्रेलर दे रहा है सड़क पे लपेटे, गाइस हकीकत में देखो पीछे से ट्रेलर कैसे लहरा रहा है। जमादे जमादे बराबर लिया लिया। तो गाइज हमारी गाड़ी चल रही है इधर 70 की स्पीड में, और ये 7 वाली है, ये बराबर लेके आने की कोशिश कर रहा है, बोले हमारी गाड़ी आगे ही नहीं जाने दे रही है, ये पीते पीते रह रहा हर बार। भगा ले और भगा। तो गाइज वो पूरी गाड़ी पीछे रह गई, हमारी गाड़ी निकल गई आगे, करीबन अभी 80 की स्पीड में चल रही है। अरे लिया लिया गाइस, हकीकत में हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा भगती है। ओ रोड खराब, वो तेरी तो। तो गाइस हम रुके हैं होटल पे खाना खाने के लिए, यहाँ गाड़ी रोकने के लिए जगह नहीं है, होटल पे गाड़ी गाड़ी हो रखी है। तो गाड़ी यहाँ हमारे को ऐसा लग रहा है कि सड़क पे रोक के खाना खाने के लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी करीबन टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, यहाँ से भोपाल गाइस ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है, 50 किलोमीटर हो रहे हैं। तो गाइज जो भोपाल की बाईपास है वो 80 किलोमीटर की है। तो गाइज अब हम इस होटल से निकलने वाले हैं, तो इस होटल पे तो गाइज 12:30 करीबन आके खाना वाना खा के सो गए थे। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है करीबन 5:30, और तो गाइज हम उठ के नहाए धोए, हमारी गाड़ी को साफ सफाई किया है। तो गाइज अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ये गाड़ी वही है जो हमने चिल्पी घाट में सफ़र तय किया था। तो गाइज हाँ, ये ड्राइवर हैवी ड्राइवर वो चिल्पी घाट पार करने वाले। तो गाइज हम गाड़ी स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ से निकलने वाले हैं। हेलो गाइज, मैं आया हूँ इस होटल पे, चाय वाय पैक कराई है मैंने, और तो इन भैया ने ये नई होटल बनाई है, बहुत शानदार है। तो गाइज जो सामने LED लगी हुई है बहुत ही बड़ी लगी हुई है, और जो यहाँ पे खाना वाना मिलता है बहुत ही शानदार है, बिल्कुल नई होटल है, सब मिल जाता है। तो ये रहा खाने के अंदर, सब ये सब खाना मिल जाएगा यहाँ, तो इन भैया ने बनाई है। तो इधर बगल में है ये जो भारत का पंप है, यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ तेल लेने के लिए खड़ी है, तो उनने तेल भरवा लिया होगा, तो अब चलो चलते हैं। तो गाइज हमने हमारी गाड़ी का टैंक फुल करवाया था राजस्थान से, तो हमने भोपाल बाईपास सब पार कर दिया, तो अब यहाँ से फ्यूल भरवा रहे, फुल टंकी भरवाएंगे।
उधर आया अभी तक 18,500 कुछ रुपए का तेल, तो देखते हैं कितने का आता है। अब ज़्यादा नहीं माएगा, 1-2 लीटर और माएगा। तो गैज हमारी जो 3-4 गाड़ी है साथ वाली सब यहाँ खड़ी है, तो सामने यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके। तो गैज जो भोपाल सिटी है इस साइड पीछे रह गई है, करीबन यहाँ से 70 किलोमीटर पीछे हैं। और तो गैज जो हम खाना खाते हैं परमानेंट, वो थोड़ा सा यहाँ से 100 किलोमीटर आगे होटल है, वहाँ पर जाके रुकेंगे। तो गैज मेरी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है और जो मेरी साथ वाली गाड़ी है वो पीछे खड़ी है। तो गैज जब खाना खाने के लिए रुके हैं, आज के वीडियो को यहीं एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइज आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइज नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।